हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे मालिनी थान है। वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके देखेंगे वहाँ का नज़ारा। अभी हम लोग दुलियाजन से निकले हैं, दुलियाजन से लगभग 12:30 बजे हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। अभी हम लोग जाएंगे। बहुत ही लंबा होगा, इसीलिए मैंने वीडियो को थोड़ा थोड़ा काट काट के छोटा बनाया है। अब कुछ देर पहले हम लोगों ने डिब्रूगढ़ से निकलकर धेमाजी के तरफ निकले हैं। ये जो रोड है सीधा जाएगा धेमाजी बोगीबील होके, बोगीबील ब्रिज आ गया, आप देख सकते हैं सामने ही। हाँ, आगे आ गया। हाँ, यही बोगीबील ब्रिज है जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। ये आसाम का दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज है। पहला है धोला शोदिया ब्रिज, उसके बाद है बोगीबील ब्रिज। ये बोगीबील ब्रिज लगभग 4 किलोमीटर से ज़्यादा है। हाँ, 4 किलोमीटर से ज़्यादा है। पहले इस जगह को क्रॉस करने में बोट से लगभग 4 से 5 घंटा जैसा लगता था, लेकिन अब ये ब्रिज बन जाने से बहुत ही कम समय में हम लोग डिब्रूगढ़ से धेमाजी पहुंच सकते हैं। अब देखिए देखिए कितना सुंदर से पेंट किया हुआ है, वाइट एंड ब्लैक, अच्छा लग रहा है। इस ब्रिज का खासियत यह है कि इस ब्रिज के नीचे के तरफ से ट्रेन लाइन है। क्योंकि इस ब्रिज में बहुत सारे सोलर लैंप लगा हुआ है। इस सारे जितना पोल दिख रहे हैं आप लोग, पोल में लाइट लगा हुआ है, बहुत से सोलर के वजह से रात को जलता है। अभी भी जल रहा है, शायद मुझको दिखाई दे नहीं दे रहा है ठीक से, लेकिन ये जलता है रात को, बहुत अच्छा लगता है देखने में। कभी आप सबको जो जो मेरा इस वीडियो देख रहे हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। असम में बहुत सुंदर सुंदर जगह है देखने के लिए। काजीरंगा है, मानस है, उसके बाद दिब्रुगढ़ नेशनल पार्क, हाफ लॉन्ग आ सकते हैं, हिल स्टेशन बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप डिब्रूगढ़ में आओ तो, अपर असम में आओ तो आप धोला शोदिया ब्रिज जरूर देखें और बोगीबील ब्रिज तो देखें। Oh,
अब जाके ब्रिज 4 किलोमीटर खत्म हो गया। अभी यहाँ से हम लोग शिला पत्थर जाएंगे लेकाबाली तक ही जाएंगे। लेकाबाली जाके हम लोगों को मालिनीथान मिलेगा, जो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। मालिनी टेम्पल है और बीच में हम लोग खाना खाएंगे। Now we reach Malini temple. पत्थर में कुछ निशान बना हुआ है, बहुत सारे क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, और बहुत सारे नक्शे भी है इसमें। देखिए चक्र बना हुआ है और ये क्या क्या है पता नहीं, बहुत सारे डिजाइन किया हुआ है और बहुत सारे क्या क्या लिखा है वो पता नहीं। एक म्यूज़ियम है ऊपर में जो बंद है अभी, नहीं तो हम म्यूज़ियम में जाकर भी देख सकते थे। ये है मालिनी टेम्पल, मालिनी मंदिर, दुर्गा मंदिर है एक, ये पहाड़ के ऊपर है। इससे भी ऊपर और एक मंदिर है, रुक्मिणी मंदिर। चढ़ते चढ़ते पसीना निकल चुका है, बहुत पसीना, बहुत ऊपर जाएंगे अभी, ऊपर जाना है, कम से कम 250 सीढ़ी होगा अभी। 250